चारधाम यात्रा के दौरान रजिस्ट्रेशन और यात्रियों की संख्या सीमित करने पर तीर्थ पुरोहित नाराज है। इसी को लेकर चारधाम महापंचायत के तीर्थ पुरोहितों ने मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार ने चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों को भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य की बाध्यता की गई है, जो सही नहीं है। इसके साथ ही पुरोहितों का यह भी कहना है कि चार धामों में यात्रियों की संख्या का निर्धारण करना ठीक नहीं है। और तीर्थाटन गतिविधि से जितने भी लोग हैं, कारोबारी हैं, होटल व्यवसायी हैं, व्यापार संघ से जुड़े लोग हैं, उन सब ने हमारे आह्वान पर जो है जो चारधाम यात्रा के मुख्य पड़ाव हैं, जोशी मठ है, आपका उत्तरकाशी है, बड़कोट है, रुद्रप्रयाग है, उखी मठ है और हरिद्वार, सब जगह पर जो है हमने ज्ञापन प्रदर्शन किया और डीएम और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से राज्य सरकार को 2 सूत्री हमने ज्ञापन प्रेषित किया है। हम स्वयं हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जो है चीफ सेक्रेटरी से मिला और हमने उनको 2 बिंदुओं का जो हमारा ज्ञापन है उसको सौंपा और हमारी 2 मुख्य मांग ये है कि जो यात्रियों की संख्या सीमित की गई है, जैसे यमुनोत्री में 5,500, गंगोत्री में 9,000, केदारनाथ में 15,000 और बद्रीनाथ में 18,000 है, तो हमारा यह मानना है कि यह पूरी तरह से अव्यावहारिक है और सरकार को अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए, इसे वापस लेना चाहिए। गैरसैंण में हाल ही में धामी सरकार ने बजट सत्र करवाया है। सरकार कह रही है कि गैरसैंण की भविष्य उज्जवल है और यहां पर आने वाले समय में विकास के कई बड़े काम होंगे, मगर इस समय गैरसैंण की मौजूदा स्थिति क्या है ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए, गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी। 3 साल बीत गए हैं जब त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, मगर सवाल यह है कि गैरसैंण में अब तक बदलाव कितना हुआ। एबीपी गंगा गैरसैंण की आवाम के बीच पहुंचा और इस बदलाव के बारे में जानने की कोशिश की है। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बने हुए 3 साल का वक्त हो गया है। राजधानी बनने के बाद जो इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। तमाम ऐसे गांव हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं भी अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं, सड़कें नहीं पहुंच पाई हैं, बेहतर शिक्षा नहीं है, बेहतर स्वास्थ्य नहीं है और पेयजल की सुविधा भी बहुत अच्छी तरह नहीं है। लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि गैरसैंण के आसपास के सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां अब भी सड़क, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सर, हमारे गांव में कुछ भी सुविधा नहीं है। हमारे गांव में, हमारे गांव से तो यहां से तो बहुत ज्यादा दूर है। यहां से जब से ये हुआ तो हमें ना 7-8 साल से हमें महिला दल में हमें कुछ भी नहीं मिला है। विधायक जी से हमें कुछ भी नहीं मिला है अभी तक। सड़क कनेक्टिविटी की सबसे बड़ी समस्या है। अभी भी लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर अपने गांव और घरों तक जाना पड़ता है। तो हमारे गांव में रोड नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये कि सर, जब हमारे गांव में बारिश होती तो बिल्कुल भी लाइट नहीं आती है। आम लोगों की राय जानने के बाद हमने इस बारे में जन प्रतिनिधियों से बात की। स्थानीय विधायक का कहना है कि विकास सतत प्रक्रिया है, इसलिए इस क्षेत्र में धीरे धीरे विकास के काम हो रहे हैं। हालांकि उनका ये भी मानना है कि राजधानी बनने के बाद इस क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। पेयजल लाइनें आज बिछ रही हैं, लेकिन सड़कों की कुछ जगह समस्याएं हैं। मेरी ध्यान में है, हम लोग उनके निराकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है कुछ स्वीकृतियाँ इसी माह हमको प्राप्त हो जाएंगी सड़कों की, और आने वाले समय में और भी जो भी आवश्यकता महसूस होगी, या मैं तो क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, जो भी जनता की तरफ से समस्याएं आएंगी उनके निराकरण का हम प्रयास करें। मगर सवाल यह है कि आखिरकार गैरसैंण में विकास के पहिए कब घूमेंगे। उत्तराखंड को अलग राज्य बने 22 साल हो चुके हैं। जब 22 साल से कुछ खास काम नहीं हुआ तो भविष्य में किसी अच्छे काम की उम्मीद कैसे की जा सकती है। ये बात भी साफ है कि गैरसैंण को उत्तराखंड के राजनीतिक दल अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। पार्टियां गैरसैंण के नाम पर लोगों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही हैं। पहाड़ के लोगों का सपना रहा है कि उत्तराखंड की राजधानी पहाड़ में ही बने। इसी सपने को लिए 22 साल गुजर गए। लोगों को लगता है कि जब नेता पहाड़ में बैठकर सरकार चलाएंगे तो उन्हें लोगों की तकलीफों का एहसास और बेहतर तरीके से होगा। गैरसैंण में धामी सरकार ने बजट सत्र को तो कर दिया, लेकिन हालात ऐसे हैं कि विधान भवन के 20-30 किलोमीटर के दायरे तक लोगों के रुकने, खाने पीने समेत दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं दिखती हैं। अब ये देखना होगा कि यहाँ पर 3 साल बाद जो सुविधाएं नहीं पहुँच पाई हैं वो उन्हें आगे पहुँचने में कितना और वक्त लग जाता है। गैरसैंण से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा।
उत्तराखंड में आबकारी नीति में संशोधन करने के बाद अब शराब के दामों में कमी आएगी। इसके साथ ही सरकार ने गोवंश संरक्षण, खेलकूद और महिला कल्याण के लिए 3 रुपए अतिरिक्त सेस की भी व्यवस्था की है, मगर कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि देवभूमि में सरकार शराब सस्ती कर रही है, वही खाने की चीजों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सूजी सस्ता करती तो हम सरकार को कहते कि बड़ी उपलब्धि है। सरकार अगर शराब के दाम सस्ता करके शराब की नदियां अगर गली गली गांव-गांव कूचे-कूचे पहुंचाना चाहती है तो ये सरकार को मुबारक है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, अगर देवभूमि में राशन सस्ता करने के बजाय सरकार शराब सस्ती कर रही है तो ये उत्तराखंड का जबरदस्त दुर्भाग्य। चाहे वो गौवंश के संरक्षण के संदर्भ में हो, चाहे वो महिला कल्याण के संदर्भ में हो, चाहे वो स्पोर्ट्स को डेवलप करने के संदर्भ में कॉर्पोरेट फंड हो, ये तीनों ही के लिए जो है फंड की होने की आवश्यकता हमेशा से रहती है। और इस कॉर्पोरेट फंड के माध्यम से निश्चित रूप से तात्कालिक आवश्यकताएँ उस समय पूर्ण की जा सकेंगी। चूँकि सामान्यतः यदि एक प्रस्ताव चलता है किसी भी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए तो बहुत लंबा समय लेता है उसको होने में, पूर्ण होने में, तब तक आवश्यकता जो है अपना विकराल रूप भी ले चुकी होती है। तोरागढ़ जिले की गड्ढायुक्त सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कवायद शुरू हो गई है। डीएम ने संबंधित विभागों को निर्देश दे दिए हैं इसके लिए कि इस पर जल्द ही काम शुरू हो जाना चाहिए। डीएम के निर्देश है कि सड़क निर्माण से जुड़े लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग और PMGSY के अधिकारी इस पर तत्परता से काम करें। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के मौके पर हल्द्वानी के मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंच रही है। अगले 9 दिन तक माता रानी की अलग अलग रूपों में पूजा की जाएगी। नवरात्रों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। उधर हरिद्वार के चंडी देवी मंदिर में भी नवरात्रि के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। नवरात्रि पर चंडी देवी मंदिर में पूजा अर्चना का विशेष महत्व है, इसलिए लोग नवरात्रि में मां के दर्शन करना नहीं भूलते। यहां पर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।